तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ इस जिप्सी लाइफ, क्योंकि लक्की ने बुलाया है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। 4, 3, 2, 1। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बीके चौक पे, और अभी थोड़ी देर में हम बुलाएंगे अपने रेसर भाई को। तो गाइस ये रहा अपना लक्की द रेसर, अपना लड़का HDFC में काम कर रहा है, और अपने भी दोस्तों का सबको वहीं पे लगा रहा है। आओ आओ, आओ। चलो, इसको कोई कुछ कहेगा तो नहीं ना? अंदर मत ले जा, इसको नहीं लेके जाऊं मैं, वही तो पूछ रहा था तेरे से। तो गाइस थोड़ी देर में मिलता हूँ, क्योंकि अलाउ नहीं है, है ना? तो गाइस मुझे ऊपर कैमरा ले जाने नहीं दिया, लक्की ने ही मना कर दिया। पर जब मैं ऊपर गया तो वहाँ पे मुझे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे, वो अच्छा पढ़ा रहे थे, पर मेरे अंदर फीलिंग पता कैसे आ रही थी, मेरे अंदर फीलिंग आ रही थी कुछ ऐसी, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है, है ना? तो अभी मैं जाऊंगा घर पे, क्योंकि लक्की तो मिला नहीं, वो निकल गया, वो किसी को एग्ज़ाम दिलाने गया। कुछ दिन बाद शायद मैं भी यही एग्ज़ाम दूँ। तो फिलहाल मैं बीके चौक पे हूँ, और यहाँ से मैं लूँगा ऑटो घर के लिए, साठपुर के लिए मेनली, क्योंकि अपना घर उसी के पास है। अभी मैं सच बताऊँ तो अभी थोड़ी देर पहले एक ऑटो वाले भैया मेरे से पूछ रहे थे, यही बनाएगा का वीडियो? मैंने कहा भाई हम तो कहीं भी बना लेंगे, हम ब्लॉगर हैं, फिलहाल कुछ दिनों से तो ब्लॉगर ही हुए, है ना? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, भाई जब तक जिंदा हूँ मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अब हम जाएंगे घर रागनी सुनते हुए, फुल हरियाणवी रागनी। मैं वहाँ पे गया था 11 बजे करीब, और अब पहुँचा हूँ मैं 4:30 करीब, मतलब अच्छा खासा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। जब आप दुनिया से अलग कुछ काम करते हो ना, तो लोग आपको ऐसे घूर के देखते हैं, क्या कर रहा है लड़का, किस राह में जा रहा है ये। मतलब एक टाइम था जब मैं किसी से बात भी नहीं करता था, अब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पता नहीं क्या है सीन कुछ ऐसा है। हम कल परसों लाए थे शूज, इनमें से छोटे पड़ गए, तो अभी हम इसको बदलेंगे या फिर वापस करेंगे, दोनों में से कोई एक, और चार्जर भी लेना है MI का चार्जर। तो गाइस शूज चेंज हो चुके हैं, जूते तो हमने ले लिया, चार्जर लेना है बस। कहाँ मिल जाएगी? भैया के दोनों चार्जर खराब हो गए, और दोनों के ओरिजिनल केबल मिली नहीं थी। इस दुकान पर तो भैया का कुछ भी सामान नहीं मिला, तो हम जाएंगे अब दूसरी दुकान पे, देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ मिलता है या नहीं मिलता। गुरुद्वारा रोड भी अच्छी खासी ग्रोथ कर चुका है, शॉप अच्छी खासी बन रही है ना भैया। ये है मोबाइल वर्ल्ड, बहुत ही नई शॉप, पुरानी नहीं। हाँ अभी नई नई खुली है, मतलब गुरुद्वारा रोड पे मोबाइल शॉप में अच्छी लग रही है मेरे को सबसे। हाँ भाई ये माइक है भाई, देखो अगर किसी को ट्राईपॉड खरीदना हो तो यहाँ पे मिलता है, लेना हो तो ले लेना। भाई देखो ये शॉप उन्होंने ही खोली है, जो पहले गुरुद्वारा रोड के सामने जो मोबाइल वाली दुकान थी ना, जो फरीदाबाद में रहते हैं उनको पता होगी, पर अब देखो अच्छा खासा खुल गया। अगर बिजनेस में आपने ग्रोथ नहीं करी तो भाई बिजनेस ऐसे रहता है। तो आज भैया को मैंने अपना नया सब्सक्राइबर बनाया, नाम क्या भैया? कई बार जबरदस्ती पकड़ के बना दे हम सब्सक्राइबर, तुमने सब्सक्राइब कर दिया भाई, हम ऑरेंज भाई के इतने सब्सक्राइबर आएंगे अनलिमिटेड। तो आज मैंने भाई 3 सब्सक्राइबर, उनमें से भाई भी एक है, नाम क्या है? भूपेंद्र। ओके तो गाइज आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। बाय।